हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सभी के साथ में, आज क्लास नंबर थर्ड यानी कि लेक्चर नंबर थर्ड लेके आप सभी के चैनल अभी अपडेट। चलिए बात करते हैं आपसे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को लेकर। जी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, दो क्लासेस हम लोगों ने कर लिया इस चैप्टर में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर जो होगा आप सभी का यहाँ पे दिया जा रहा है। जी हाँ, यानी कि फ्रॉम सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन करते करते हम सभी पेपर वन की जितने भी चैप्टर जितने भी यूनिट्स हैं इसे कम्प्लीट कर देंगे। स्टार्ट किया था हम सभी ने अपना पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में, एंड ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द टू लेक्चर्स ऑन इट। आज समय है लेक्चर नंबर थर्ड का, आज वेरी इंपॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर यानी कि जितने भी कुछ हुए यहाँ पे। लेक्चर नंबर थ्री बहुत ही खास है आप सभी के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास नंबर थर्ड लेक्चर नंबर थर्ड लेके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को। एज आई ऑलरेडी टोल्ड टू ऑल कि इस जो रेफरेंस है अपनी वो केविश मैदान सर की बुक है, प्लस अपनी टू थ्री बुक्स और हैं जिसे कंबाइन करके आप सभी सामने यहाँ पर लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। मूविंग हेड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को लेके। जो अपना है आप ये अपना सिलेबस था, हम लोगों ने सिलेबस में ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ कवर कर लिया दो क्लासेस में। कंटिन्यू करते हैं आज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप सभी देखिए जितने भी चीजें थे हम लोगों ने देख लिया था कि पीपल क्या होता है, हमने देखा था कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, हमने देखा था कि इकोलॉजी क्या होता है, उससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी स्लाइड्स में देख चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। इकोलॉजी फुटप्रिंट क्या होता है, इससे क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में तो क्या होता है, ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिया था। फंक्शंस इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम क्या होता है, ये सभी चीजों हम लोगों ने कल की क्लास में कवर कर लिया था। फाइन, इको टोन क्या होता है, इसे भी हम लोगों ने कल क्लास में कवर कर लिया था। बायोटिक क्या होता है, इसे हम लोगों ने कल क्लास में कवर कर लिया। चलिए आज बात करते हैं आज को लेके, आज जहां से हम सभी को स्टडी करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कल हम लोगों ने टॉपिक लेवल्स की बात की, तो टॉपिक लेवल्स में हम लोगों ने कल दो पिरामिड्स को कवर कर लिया था। आज समय है इस थर्ड पिरामिड को, इस तीसरे पिरामिड को समझने का। पिरामिड क्या है, तीसरा पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास का, ठीक है। देखिए मैं आगे कंटिन्यू करूं, उससे पहले मैंने बताया था कल भी आप सभी को कि जितने भी पिरामिड्स हैं ना, सभी पिरामिड्स लगभग वर्क क्या करते हैं, सभी का वर्क लगभग सेम ही होता है। हमने देखा था कल की क्लास में, बताया था मैंने आप सभी को कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल ध्यान रखिएगा माइंड में, बस एक बार ध्यान रखिएगा कि जितने भी पिरामिड्स हैं उनका वर्क क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ इसमें, सपोज कीजिए ये अपना पिरामिड है नंबर्स का, ठीक है। तो देखिए नीचे क्या है, नीचे क्या अपना, अगर पिरामिड है आपका तो नीचे क्या है, नीचे आपका प्रोड्यूसर यहाँ पे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर था, फिर आपका यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर था। तो कल क्लास हमने देखा था कि जितने पिरामिड्स होते हैं, जैसे आप ऊपर जाते हैं, जब लोअर से आप बॉटम से आप अपर मूव ऑन करते हैं, तो जो इनकी कहिए कैपेसिटी होती है वो सभी चीजें डिक्रीज करती है, हमने देखा था कल, ठीक है। तो जैसे कल हमने देखा था पहला पिरामिड जो था पिरामिड ऑफ एनर्जी का, हमने देखा था कि एनर्जी का जो रेट होता है वो प्रोड्यूसर का होता है, ज्यादा होता है। फिर उसके पास जब जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे तो एनर्जी का रेट कम होता है। फिर जितना आप फॉरवर्ड ऊपर जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर पे आएंगे तो एनर्जी का रेट और कम होगा। जितना आप और ऊपर जाएंगे उनका एनर्जी का जो रेट होता है ना वो क्या होता है, डिक्रीज करता चला जाता है। फिर हम लोगों ने कल ये भी देखा था पिरामिड ऑफ नंबर्स को लेके, जहाँ पे हमने देखा था कि नंबर्स के फॉर्म में ये कैसे बिहेव करता है, हमने देखा था नंबर्स के फॉर्म में ये रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। हमने देखा था कि यहाँ भी चीजें सेम रहेगा, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर का रहेगा, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर का रहेगा, उससे कम सेकेंडरी का रहेगा, और फिर उससे कम आपका टर्शियरी कंज्यूमर का रहेगा। ये हम लोगों ने कल की क्लास में उसको कवर कर लिया था। आज आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और आज हम सभी समझेंगे यहाँ पे, आज यहाँ पे तीसरा पिरामिड जो पिरामिड नंबर थर्ड है अपना, ठीक है। क्या है पिरामिड नंबर थर्ड, पिरामिड नंबर थर्ड है पिरामिड ऑफ बायोमास का। पिरामिड क्या है, थर्ड पिरामिड आज जो हम सभी को स्टडी करना है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास का, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितने भी पिरामिड्स हैं, ठीक है ना, वो सभी ऊपर जाते हैं डिक्रीज करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ आप कोई भी उठा लिए पिरामिड, ठीक है ना, जितने पिरामिड्स हैं आप जब लोअर से अपर जाएंगे ना तो वो सभी चीजें क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। एज यू हैव ऑलरेडी सीन द प्रीवियस टू लेक्चर्स, अगर पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें तो ऊपर जाते हैं तो कम होता था,
फाइन। अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ, हम पिरामिड की बात करें जो अभी हमने देखा एनर्जी रेट का, आप जब ऊपर जाते हैं तो वो कम होता है, फाइन। तो वैसे अगर हम इस पिरामिड की बात करें, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें, तो यहाँ पे चीजें सेम है, यहाँ पे चीजें सेम है, ठीक है ना। अगर ये आपका पिरामिड बना हुआ है यहाँ पे, आपका अगर आपका ये पिरामिड बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा सीधे नहीं बन पाए, या अगर नीचे बताऊँ, हमारे आपकी पिरामिड, आपका ये, आपका ये पिरामिड हो गया, ठीक है, आपका ये पिरामिड मान लीजिए, ठीक। तो मतलब सिंपल बस ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा पिरामिड, सबसे ज्यादा पिरामिड किसका होगा, सबसे ज्यादा जो पिरामिड होगा ना, जो सबसे ज्यादा आपका पिरामिड होगा, और कहिए जो सबसे ज्यादा जिनके पास बायोमास होगा वो कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा जो बायोमास होगा ना वो कौन सा होगा, वो होगा इसके पास, इसके पास, ठीक है, सबसे ज्यादा इनके पास होगा, ठीक है। उससे कम किसके पास होगा, उससे कम किसके पास होगा, तो उससे कम होगा यहाँ पे इसमें, ठीक है ना। यानी सबसे नीचे कौन होते हैं, सबसे नीचे कौन, सबसे नीचे हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, उसके ऊपर हमारे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, उन्होंने कल भी देख लिया था। तो प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर, ठीक है ना। फिर देखिए, फिर नंबर इसपे कौन, इसपे कौन आते हैं, इसपे आपके आते हैं क्या, इसपे आपके आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या, ये यहाँ पे कौन होते हैं हमारे, यहाँ पे हमारे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इनका बायोमास और कम होगा, इनका बायोमास और कम होगा, ठीक है ना, फाइन। अच्छा, उसके ऊपर कौन आते हैं, तो उसके ऊपर हमारे आते हैं टर्सरी, उसके ऊपर कौन आते हैं हमारे, उसके ऊपर हमारे आते हैं टर्सरी वाले आते हैं, ठीक है। तो इनका पास बायोमास और कम होगा, क्लियर। यानी व्हाट वी हैव सीन कि जितना आप नीचे से ऊपर जाते हैं, जब आप लोअर से अपर जाते हैं, तो बायोमास जो होता है ना, ये फ्लो ये कम करता है, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, अगर हम एडिशन और रीजनिंग की बात करें इस पिरामिड के बेसिस पे, क्वेश्चन यानी क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि क्या प्रोड्यूसर का कम होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर का कम होता है। तो ध्यान रखना है कि जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे बायोमास जो होता है वो कम होता चला जाता है, इज इट क्लियर सर। तो हमने देखा था कि नंबर वाला भी कम होता है, एनर्जी रेट भी कम होता है, और बायोमास भी कम होता है। देखिए सभी कम होंगे, ठीक है ना, केवल एक ध्यान रखिएगा कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो वो बढ़ता है। कौन सा ऐसा है, तो मान लीजिए यहाँ पे वो अपना फूड चेन का, बस ध्यान रखिएगा इस बात को। सभी जितने सभी नीचे आप कोई भी उठा लीजिएगा, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। लेकिन 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 केवल एक ऐसा फिगर होगा, केवल एक जगह ऐसा है जहाँ पे आप नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये आपका बढ़ेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, आपका वो इंक्रीज करेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, क्लियर है सर। कब करेगा इंक्रीज, कौन सा ऐसा केस है जिसमें नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज करता है, क्योंकि सभी पे तो डिक्रीज ही करता है, तो सर कौन सा ऐसा है जिसमें ऊपर जाने पे इंक्रीज करता है, तो याद रखिएगा वो है फूड चेन, क्या है वो है अपना फूड चेन का, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फूड चेन ऐसा चीज है जिसमें आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी कि जब नीचे से ऊपर बात करें, यानी जब हम प्रोड्यूसर सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, फिर आपके टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं, तो केवल फूड चेन होगा जिसमें आप जब नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो वो बढ़ेगा, सिर्फ फूड चेन रहेगा, बाकी सभी में क्या रहेगा, सभी में ये चीज आपकी डिक्रीज करते हैं, केवल फूड चेन में जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो इंक्रीज करता है, फाइन, इज इट क्लियर, यस सर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ अगर हम इसकी बात करें तो ये जो अपना बायोमास है ना, जो इसका पिरामिड है, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। पहला कौन सा अपना होता है, एक अपना होता है प्राइमरी पिरामिड, एक अपना होता है अपराइट पिरामिड होता है, और दूसरा अपना होता है इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। समझते हैं आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर दोनों पिरामिड किस लिए और कैसे एक दूसरे से अलग है। देखिए अगर हम बात करें अपराइट पिरामिड की बात करें ना, अगर अपराइट, लेकिन नाम क्या बोला, नाम बोला ना अपराइट, यानी कि अपराइट मतलब क्या, इसका मतलब होता है जब ध्यान के जब जो बड़े बड़े आपके बायोमास है ना, जब बड़े बड़े बायोमास सपोर्ट करते हैं छोटे छोटे वेट के कंज्यूमर्स, यानी जब बड़े बड़े सपोज किया, मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ, मान लीजिए बहुत ही बड़ा फिगर है, ये बहुत बड़ा फिगर, ठीक है ना, और ये छोटा फिगर है, ठीक है। तो जब ये यानी जो आपका बड़ा वाला बायोमास, जब ये छोटे वाले को सपोर्ट कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है, तो आप इसे बोलोगे अपराइट पिरामिड, यानी जब बड़ा वाला जो अपना होता है, जो अपने बड़े वाले जो अपने बायोमास होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब वो सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, छोटे छोटे कंज्यूमर्स को, जिनका जो स्मॉलर वेट के होते हैं, जब उनको हेल्प किया जाता है थ्रू बाय द लार्जर वेट और द लार्जर बायोमास, तो हम लोग उसे बोलते हैं अपराइट पिरामिड बोलते हैं, इज इट क्लियर, फाइन सर। और ठीक उल्टा होता है,
इन्वर्टर, देखिए इन्वर्टर मतलब क्या होता है, इन्वर्टर मतलब क्या होता है, अच्छा आप खुद देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं सर बताइए मुझे इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इन्वर्टर मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इन्वर्टर मतलब क्या होता है, अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए मुझे इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, तो आप यही ना बोलेंगे कि सर इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, कोई चीज अपोजिट में हो। फाइन, तो बस यहाँ पर ठीक उल्टा, ठीक उल्टा है पे, जब छोटा वाला बड़े को सपोर्ट कर दे, तो छोटा वाला बड़े को सपोर्ट कर दे तो बोलते हैं उसको इन्वर्टेड पिरामिड। ध्यान रखिएगा अपराइट पिरामिड मतलब होता है जब बड़े वाला बायोमास सपोर्ट करता छोटे वाले कंज्यूमर्स को, ठीक है? तो आप इसे बोलोगे क्या, आप इसे बोलोगे अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है? और इन्वर्टेड पिरामिड क्या होता है, जब जब छोट जो आपके स्मॉलर वेट के प्रोड्यूसर्स हैं, जब आपके स्मॉलर वेट के प्रोड्यूसर्स हैं वो हेल्प करें किसको, लार्जर वेट के कंज्यूमर्स को, तो आप इसे बोलोगे, आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे इन्वर्टेड पिरामिड। इज इट क्लियर? फाइन सर, ध्यान रखिएगा, मैं एक बात यहां से एक बात ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है, हमेशा प्रोड्यूसर मदद करेगा, हमेशा प्रोड्यूसर ही सपोर्ट करेगा, प्रोड्यूसर ही सपोर्ट कर सकता है हमेशा, ध्यान रखिएगा प्रोड्यूसर ही सपोर्ट करेगा कंज्यूमर को, अंतर क्या है बड़ा या छोटा, प्रोड्यूसर से हेल्प करेगा ये ध्यान रखिएगा। अब बड़ा प्रोड्यूसर हेल्प कर रहा है कि छोटा हेल्प कर रहा है ये डिपेंड करता है, अगर बड़ा हेल्प कर रहा है प्रोड्यूसर छोटे वाले को आप बोलेंगे अपराइट है, आप बोलेंगे अपराइट है, लेकिन जब छोटा वाला प्रोड्यूसर मदद कर रहा है, छोटा वाला मदद कर रहा है तो आप बोलेंगे इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे आप बोलेंगे इन्वर्टेड। इज इट क्लियर? फाइन सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं जो हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे क्या अपना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फूड वेब, अब बात आता है कि सर ये फूड वेब क्या होता है, आखिर क्यों आपने इसको अलग तरीके से लिखा, ध्यान रखिएगा। देखिए फूड वेब क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, देखिए फूड चेन होता है ना, फूड चेन होता है ना, तो जब फूड चेन को हम लोग इंटरलॉक कर दें, फूड चेन को कुछ ऐसा बना दे कि एक दूसरे से वो लिंक हो जाए, लिंक्ड अप हो जाए, तो आप उसे बोलोगे भैया वो फूड वेब बन गया, जाल बन गया, बात समझ रहे हैं ना। जब फूड चेन बना है हमारा, तो फूड चेन को जब हम लोग इंटरलॉक कर दें, एक दूसरे से कनेक्ट कर दे, तो आप इसे बोलोगे सर ये फूड वेब बन गया, क्या बन गया, ये फूड वेब बन गया। इज इट क्लियर? फाइन सर, आगे बढ़ते हैं जो हम लोग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग लिख के ना, अब से हमारा समझनेगा कि सर ये बायोस्फेयर क्या होता है, समझते हैं आखिर कि ये बायोस्फेयर क्या होता है, ठीक है? देखिए ध्यान रखिएगा, देखिए बायोस्फेयर, बायोस्फेयर बायो मतलब क्या होता है, लाइक समथिंग, दिस वर्ड मीन्स वॉट, दिस मीन्स वॉट, दिस मीन्स बायो मीन्स वॉट, as we have already studied that bio का मतलब क्या होता है, देखिए bio का मतलब क्या होता है, bio का मतलब होता है, bio का मतलब क्या होता है, तो bio का मतलब होता है आप सभी का life, bio मतलब life, ठीक है ना। तो life की जब हम बात करते हैं तो उससे हम सभी क्या बोलते हैं, हम सभी से बोलते हैं biosphere। ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे life की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे life की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, life की बात कर रहा हूँ, लिविंग चीज की बात कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर में बायोस्फीयर के अंदर में ना, बायोस्फीयर के अंदर में लिविंग चीज तो आता ही आता है, प्लस जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना ये भी हमारे बायोस्फीयर में आते हैं, ठीक है? देखिए बायोस्फीयर तो सिंपल, बस क्या ध्यान रखना आपको यहाँ पे कुछ रीड नहीं करना, ध्यान रखिएगा व्हाट इज बायोस्फीयर, ध्यान रखिएगा बस बायोस्फीयर के अंदर में हमारे, बायोस्फीयर के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के इको सिस्टम, क्या इसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के इको सिस्टम आते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें अलग अलग तरह के हमारे पास इको सिस्टम आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसमें बस अलग अलग तरह के इको सिस्टम आते हैं, जिसमें से कुछ हमारे क्या होते हैं, इसमें कुछ हमारे लिविंग होते हैं और कुछ हमारे इसमें क्या होते हैं, कुछ हमारे इसमें नॉन लिविंग होता है, क्या होता है, कुछ हमारे इसमें नॉन लिविंग होते हैं, क्लियर? और सबको मिला दे तो क्या बन जाएगा, सबको अगर मैं मिला दूं, यानी लिविंग को मिला दूं और नॉन लिविंग को मिला दूं, किसको मिला दूं, लिविंग और नॉन लिविंग को अगर मैं मिला दूं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा आपका बायोस्फीयर। तो सिंपल को आपसे पूछे कि बताओ बायोस्फीयर क्या, क्या बोलेंगे आप कहेंगे सिंपल सी बात है, आप क्या कहेंगे, कोई आपसे पूछे कि बताओ डिफाइन करो बायोस्फीयर, तो क्या बोलेंगे आप, कहेंगे भैया बायोस्फीयर क्या होता है, आप कहेंगे बायोस्फीयर का मतलब होता है जब आप, जब जब आप क्या करते हैं, लिविंग को, आप लिविंग को नॉन लिविंग से ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं इकोसिस्टम, यानी जब लिविंग चीज बात करें हम, नॉन लिविंग चीज की बात करें, इकोसिस्टम में बात करें, सो इसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, क्या बोलते हैं, इसे हम सभी कहते हैं बायोस्फीयर। इज इट क्लियर? फाइन सर, आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर अपना यहाँ पे बायोमेस देखते हैं, यहाँ पे बायोमेस का उदाहरण देखिएगा, देखिए जो अपना बायोस्फीयर है ना,
बस ध्यान रखना है, कुछ आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ध्यान रखिएगा। देखिए जो अपना बायोस्फेयर है ना, तो जब आप इस बायोस्फेयर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हो, किसमें डिवाइड करते हो, आप इन्हें डिवाइड करते हो बायोमैस में। बायोमैस क्या होता है सर? तो जैसे टेरेस्ट्रियल, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कुछ रहने का जगह, मैंने कहा कुछ रहने का जगह, जैसे हम सभी कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं ना फाइन। तो बस वही यहाँ लिखा गया है, जब आप बायोस्फीयर को अलग अलग जहां पे वो रहते हैं उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर देते हो ना, तो वो बन जाता है बायोमैस। इज इट क्लियर? यस सर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर के अंदर में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर में लिविंग नॉन लिविंग दोनों आता है, सब ऐड करेंगे बन जाएगा बायोस्फीयर बन जाएगा। बायोस्फीयर को अगर आप डिवाइड करेंगे उन पोर्शंस में, जिन पोर्शंस में जहां जहां वो रहते हैं, जहां जहां वो सपोर्ट करते हैं, जहां जहां वो सपोर्ट करते हैं, तो वो बन जाएगा आपका बायोमैस। क्या बन जाएगा बायोमैस? क्या होता है जब आप बायोस्फीयर को डिवाइड करते हैं टेरेस्ट्रियल पोर्शन के हिसाब से जहां पे वो रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्लाइमेट की, बात करूं डेजर्ट की, बात करूं ग्रासलैंड की, बात करूं, तो ये सब आपको मिलाने पे क्या बन जाएगा, ये सभी आपके बायोमैस बन जाएंगे। इज इट क्लियर? फाइन सर। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है? वो अपना लिखा गया फोर स्फीयर ऑफ अर्थ। रखिएगा अपने जो अपना अर्थ है, हम जानते हैं सभी अपने यहाँ पे जो अपना अर्थ है यहाँ पे, तो अपना अर्थ क्या है, जो अपना यहाँ पे ध्यान रखिए, जो अपना अर्थ है ना, अर्थ क्या अपने यहाँ पे, तो अपना जो अर्थ है इसमें इसके क्या क्या स्पेयर है समझना, ठीक है ना। तो देखिए जो अर्थ है ना अपना, अर्थ के चार स्पेयर है, क्या है, फोर स्पेयर है, जो हमें समझना है, जो हमें एक एक करके समझना है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से चीजों, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि समझा जाए कि भैया अर्थ के क्या क्या स्पेयर यहाँ पे होते हैं। फाइन, देखिए फोर स्पेयर होते हैं हमारे। पहला क्या होता है? पहला होता है लिथोस्फीयर, फिर आएगा हाइड्रोस्फीयर, पहला आएगा लिथोस्फीयर, ठीक है, फिर आ रहा है क्या आपका, फिर आपका आएगा हाइड्रोस्फीयर। एक एक करके समझेंगे तो मजे से सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसानी से समझना है, बिल्कुल परेशान आप सभी को नहीं होना, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई अगर आपका फीडबैक होगा तो जरूर नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल कि प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आपसे क्या कि लिथोस्फीयर क्या होता है। देखिए लिथोस्फीयर का हम जब बात करते हैं आपसे, जब हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो लिथोस्फीयर क्या होता है, फिर समझते हैं। देखिए कुछ बातें ध्यान रखिएगा, कुछ ज्यादा नहीं समझना आपको, मैं जो बता रहा हूँ बस उसे ध्यान रखिएगा, इन कुछ बातों को ध्यान लिख लीजिए कॉपी में। लिथोस्फीयर मतलब होता है, पहली बात है लिथो मतलब होता है स्टोन, ध्यान रखिए पहली बात है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, लिथो मतलब क्या होता है, लिथो का मतलब होता है स्टोन, लिखिएगा पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिथो का मतलब ही होता है स्टोन। लिथो मतलब क्या होता है? लिथो का मतलब होता है स्टोन, लिथो मतलब स्टोन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लिथो मतलब स्टोन होता है, कौन सा स्टोन होता है सही जाइए पहले फटाफट, तो कौन सा स्टोन होता है, तो ये होता है रॉकी क्रस्ट। क्या होता है ध्यान रखिएगा? रॉकी क्रस्ट, सॉलिड है, सॉलिड। देखिए लिथो मतलब स्टोन। अच्छा स्टोन क्या होता है? स्टोन हल्का होता है क्या? अगर किसी को किक किया जाए, स्टोन से थ्रो किया जाए, तो क्या लगेगा? नहीं लगेगा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, स्टोन से किसी को मारेंगे तो चोट लग जाएगा, क्यों लगेगा? क्योंकि सॉलिड है सर, सॉलिड है। बस वही बात यहाँ पे, लिथो का मतलब होता है स्टोन, और स्टोन क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ध्यान रखिएगा लिथोस्फीयर की हम बात करते हैं तो लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर सॉलिड, क्या अपना ये एक सॉलिड, क्या अपना ये लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर क्या अपना? लिथोस्फीयर क्या अपना? लिथोस्फीयर सॉलिड है, लिथोस्फीयर क्या अपना? सॉलिड, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं टिक करता हूँ जैसे कोई दिक्कत आप सभी को यहाँ पे ना हो आप लोग के लिए, एक सेकंड यहाँ पे। हाँ देखिएगा तो लिथोस्फीयर क्या, ध्यान रखिएगा, पहली बात है कि स्टोन है, फिर दूसरा बात क्या रखना है कि अपना एक तरह का सॉलिड है। सॉलिड में क्या ऐसा सॉलिड है? रॉकी क्रस्ट है, क्या है? रॉक जैसा होता है ना रॉक, तो रॉकी क्रस्ट। सर यहाँ पे क्या समझना है ध्यान रखिएगा, लिथोस्फीयर से पहला बात ध्यान रखना है आपको कि स्टोन है, दूसरा बात क्या रखना है कि सॉलिड है, तीसरा बात रखना है कि एक तरह का रॉक है, होता है ना रॉक, तो रॉक एक तरह का समझ रखिए, ठीक है ना, रॉक है। बाकी यहाँ तो कुछ आपको नहीं समझना है, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लिथोस्फीयर से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पुटअप हो सकता है, वरना इसके अलावा आपसे कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। देखिए बताता हूँ, ये आपका मान लीजिए माउंट एवरेस्ट, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट, मानना क्या है ही माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए तो माउंट एवरेस्ट ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की अगर मैं टॉप बात करूँ, यानी कि माउंट एवरेस्ट के ये टॉप, ये चोटी है ना माउंट पीक जिसे हम कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट के टॉप, यानी ये हो गया टॉप, माउंट एवरेस्ट के टॉप जो पीक होता है,
वो और माउंट एवरेस्ट का ठीक नीचे वाला, ये जो नीचे पोर्शन ये वाला, ये जो नीचे पोर्शन बना आपको, ठीक है ना, नीचे पोर्शन है बॉटम, ठीक है ना, किसका, मैरिना ट्रेंच का, कहाँ का, मैरिना ट्रेंच का, ठीक है ना। आप इसकी बात करिए या फिर आप मैरिना ट्रेंच की बात करिए, दोनों बात हो गया। आप यानी कि मैं अवार्ड में तो हुआ कि माउंट एवरेस्ट की आप टॉप बात करिए और मैरिना ट्रेंच का बॉटम बोलिए, मैरिना ट्रेंच का बॉटम बोलिए, वहां से जितना भी चीजें कवर हो रहा है आपका, जितना भी आपका सरफेस कवर हो रहा है ना, सभी लिथोस्फेयर है, सभी लिथोस्फेयर। सर कैसे पता चल रहा है? अरे भैया सॉलिड नहीं है क्या, स्टोन नहीं क्या? अच्छा बताइए माउंट एवरेस्ट क्या लिक्विड है क्या? नहीं सर, क्या बात करें, तो स्टोन है, बस वही बात मैंने कहा ना, लिथोस्फेयर क्या होता है, स्टोन, सॉलिड चीजें, सॉलिड, जैसे कि आप और हम, तो हम लोग क्या है, सॉलिड एंड स्टम ना, तो वैसे यहाँ लिखा गया है। तो लिथोस्फेयर क्या है, पहली बात ध्यान रखना कि अपने सॉलिड है, दूसरा बात क्या ध्यान रखना है पे कि एक तरह का ये रॉकी क्रस्ट होता है, तीसरा बात क्या ध्यान रखना आपको यहाँ पे कि जो अपना लिथोस्फेयर है ना, ये कहाँ से कहाँ कवर करता है, तो माउंट एवरेस्ट के टॉप से लेके ये कवर करता है मैरिना ट्रेंच के बॉटम तक, ये सभी चीजों को कवर करता है, कौन करता है, लिथोस्फेयर कवर करता है, इसके अलावा कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है लिथोस्फेयर में, इसके बाहर लिथोस्फेयर से आपसे कुछ भी वो नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। अब आता है समय समझा जाए सर हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, समझते हैं यहाँ पे कि अपना ये हाइड्रोस्फीयर अपना यहाँ पे क्या होता है, तो इसको मैं रेज कर लूँ ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। एक सेकंड, अब समय आता है इसका समझा जाए कि आखिर ये अपना हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर हाइड्रो मतलब वाटर, आपने पढ़ा ना H2O, देखा ना कभी H2O, H2O क्या होता है, वाटर का स्टोव बोलते हैं ना, बस वही बात ध्यान रखिएगा, वही चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, वही चीज मैंने बताया यहाँ पे, वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या, वाटर पानी, वाटर पानी, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जब हम पानी की बात करते हैं ना, तो आप उसे बोलोगे दैट इज द हाइड्रोस्फीयर, क्या बोलोगे आप, वो अपना हाइड्रोस्फीयर होता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ हाइड्रोस्फीयर में क्या कुछ है, और यहाँ से बस ध्यान रखना आप सभी को कि ये क्या है, ये हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो थोड़ा सा हाइड्रोस्फीयर किससे रिलेटेड है, ये आपका चीज रिलेटेड है किससे, वाटर से, किससे रिलेटेड है, ये आपका वाटर से रिलेटेड है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान समझिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, अगर फैक्ट्स पूछा यहाँ से तो गलत नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा। देखिए ये मान लीजिए आपका 100% पूरा वाटर, एक सेकंड में यहाँ पे करता हूँ, एक सेकंड, आपका 100% क्या, आपका आपका 100% क्या है, वाटर है पूरा मान लीजिए, ठीक है, हाँ सर है, ठीक, आपका 100% क्या है, ठीक है, वाटर, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा इस 100% से बात की, फिर यहां से आपका जो 100% आपका वाटर है ना, इस ये 100% पूरा वाटर आपका, ठीक है, फाइन सर है सर, फिर सर, फिर सर क्या होगा, आप इस 100% को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करिए, दो पार्ट्स में, ठीक है, यस सर, पहला लिखिएगा ओशियन, पहला क्या है, ओशियन, पहला क्या है, ओशियन में, पहला क्या लिखना है आपको, ओशियन, ठीक, ओशियन, पहला ओशियन हो गया, हाँ सर हो गया। ओशियन में जो आपका वाटर है ना, 100% पानी की बात कर रहा हूं मैं, तो जो 100% पानी में से, वाटर में से जो वाटर आपका ओशियन में प्रेजेंट है, वो लगभग 96.5% से 97, कितना सर, कितना ओशियन में प्रेजेंट है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे दिक्कत आप सभी को ना हो यहाँ पे, 96 लिख दो यहाँ पे, 96% 96 एक 90 तो समझ लीजिए आपको, ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 96.5% से 97% कहाँ पानी प्रेजेंट है, कहाँ पे वाटर है, ये आपका वाटर प्रेजेंट है कहाँ पे, ओशन आगे, ठीक है। तो ओशन कितना वाटर है, 100% वाटर में से 96.5% से 97% वाटर कहाँ प्रेजेंट है, ओशन में प्रेजेंट है हमारा, इज इट क्लियर, यस सर। सर बचा हुआ पानी कहाँ पे है, तो जो आपका वाटर अब बचा ना, ये है फ्रेश वाटर, ये क्या है जो बचा, ये क्या है, ये आपका फ्रेश वाटर, क्या है आपका, ये है फ्रेश वाटर, क्या आपका, ये है फ्रेश वाटर, लिख दो यहाँ पे, ये आपका है फ्रेश वाटर, क्या है,
फ्रेश वाटर है, ध्यान रखिएगा। कितना है ये, कितना है ये, तो जो फ्रेश वाटर आपके पास है ना वो कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा 3%, कितना 3% से लेके 3% से लेके केवल और केवल 3.5, कितना 3.5% प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 100% वाटर डिवाइड किया गया है, जिसमें से 96.5% वाटर प्रेजेंट है ओशियन में, 3 से 3.5% वाटर प्रेजेंट है आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, इस फ्रेश वाटर में से भी, इस फ्रेश वाटर में से भी, एक सेकंड क्या हो गया, चलिए आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। अब इस फ्रेश वाटर में से भी, इस फ्रेश वाटर में से फिर से दो पार्ट डिवाइड करिएगा, ठीक है ना। फाइन सर, किसमें, ग्लेशियर में, किसमें, ग्लेशियर में, ग्लेशियर में, ध्यान रखिएगा, इस 3 से 3.5% के अंदर में भी डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, किसमें, ग्लेशियर में, ग्लेशियर में, ग्लेशियर में डिवाइड किया गया, ठीक है ना, आईसी में, आईसी में, कहां पे, आईसी में, यहां देखिए लिखा होगा यहां पे, वैसे आईसी में लिखा गया, आईसी में, ठीक है ना, आईसी में, ठीक है, फाइन सर। अब ध्यान रखिएगा, तो 3 से 3.5% में से जो आपका प्रेजेंट है ग्लेशियर और आई सीट में, यह लगभग 2 से 2.5%, कितना, यह लगभग 2 लगभग मान लीजिए 2 से 2.5% जो आपका प्रेजेंट है ना, वो प्रेजेंट है ग्लेशियर और आई सीट में। सर अभी भी बचा, देखिए 3 से 3.5% प्रेजेंट है फ्रेश वाटर है, उसमें से 2 से 2.5% प्रेजेंट है आई सीट एंड ग्लेशियर में। अब जो बचा 1%, ये क्या है, ये बचा है जो हम लोग यूज करते हैं, ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन, कितना बचा, तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए बचा कितना, लगभग आपका 1% से लगभग 1.5% बचा है अपना ह्यूमन कंजप्शन के लिए। बात समझ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखिए 100% पूरा पानी, मैं फिर से पूरा समझाता हूं आपको, बटा समझ में आएगा, देखिएगा 100% पूरा वाटर था, वो 2% डिवाइडेड है ओशियन में और फ्रेश वाटर में, ओशन कितना है 96.5% से 97% है, फ्रेश वाटर कितना है 3 से 3.5%, 3 से 3.5% फ्रेश वाटर है, ठीक है ना। और फ्रेश वाटर फिर से डिवाइड किया गया है, मान लीजिए फ्रेश वाटर को डिवाइड किया गया 3 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लीजिए, या फिर चलिए ऐसा मानिए आप, फ्रेश वाटर को फिर से मैंने डिवाइड किया, उसमें से 3 से 3.5% यानी कि 3 to 3.5% के अंदर में, अंदर में लगभग 2 से 2.5% कहां पे ही है, ग्लेशियर और आइस शीट में, ठीक है ना, लगभग 2 से 2.5%। अब बचा कितना, बचा लगभग 1 से 1.5%, ये कहां पे, ये हमारा है ह्यूमन कंजप्शन, कहां पे, ये हमारा ह्यूमन कंजप्शन। अब इसको, इस पैरों को रीड करेंगे ना, तो आपको पूरा पता समझ में अच्छा से आ जाएगा, पूरे इस पैरों को रीड करेंगे, ठीक है ना, इज इट क्लियर, फाइन सर। तो इतना अपना हो गया, फिर अपना आता है, हम लोग आते हैं अगले चीज में, फिर अपना है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, देखिए बायोस्फीयर मतलब होता है, बायो मतलब क्या, मैंने देखा, बायो मतलब होता है लिविंग, जो लाइफ की बात करते हैं ना, मैंने देखा ना, बायो मतलब होता है लाइफ, लिविंग मतलब क्या, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है ना। तो जब हम इनकी बात करते हैं मेनली, तो ये होता है बायोस्फीयर, क्या होता है बायोस्फीयर, जब हम लिविंग चीज की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो ये बायो मतलब क्या होता है, सिंपल देखा जाना, देखिए एक्चुअल जो मीनिंग होती है ना, जो एक्चुअल एकदम मतलब टू द पॉइंट अगर मैं बात करूँ ना, देखिए नॉन लिविंग तो इंक्लूड हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल मतलब होता है ना, जो एक्चुअल मतलब होता है बायो मतलब वो होता है लाइफ, लिविंग, जो एक्चुअल मतलब होता है बायो मतलब लिविंग। तो जो लिविंग चीज की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स हो गया, वन सेल ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो ये सभी हमारे बायोस्फीयर के अंदर में आते हैं। इज क्लियर, फाइन सर। तो इतना ही रख रहा हूं मैं आज की क्लास को, कल हम देखेंगे एटमॉस्फेयर को डिटेल में, देखेंगे इसके लेयर्स को कल हम डिटेल में और देखेंगे। सो इतना ही मैं रख रहा हूँ क्लास, ठीक है ना। सो होप तो आपको सबको समझ में आया, कोई डाउट हो तो नीचे जरूर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना, कैसा लगा आपको, इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए नीचे जरूर मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा, न्यू चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे आपको सारी अपडेट्स यूजीसी इंटरनेट की मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन और भी शानदार होते रहे। बाय बाय, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।